चलो गाइस अनबॉक्सिंग होने जा रहा है, चलिए एक बार देखिए। सुबह उठते ही जिसे देखने का मन करे ऐसी मोहब्बत हो तुम मेरे। मेरा आधार कार्ड डिलीवरी और मैं अब तक सो रहा हूँ, इसीलिए सुबह सुबह मुझे मेरी कांची जगाने आ गई। कांचा उठो उठो उठो, थार थार हार लेना है। हाँ आज ही डिलीवरी। हाँ भाई मैं अभी तक सो रहा हूँ यार। हार लेना है। ओ भाई चल चल चल। फिर मैंने जल्दी जल्दी एक टॉवल लिया और सीधा नहाने बाथरूम में घुस गया, क्योंकि मुझे एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट हो रहा था। वरना नॉर्मल डे में तो मैं सुबह के 11-12 बजे भी ना नहा हूँ, और आज देखो 8 बजे ही नहा के निकल गया। देन मैंने सोचा कि ये मेरी लाइफ की सबसे पहली गाड़ी होने जा रही है, तो क्यों ना पूजा करके जाया जाए। वैसे मैं उतना पूजा वगैरह तो नहीं करता हूँ, बस मेरी कांची और मम्मी सुबह शाम पूजा करती है एंड उतना ही है। बट आज मैंने 2-3 अगरबत्ती के साथ अपने बगीचे से कुछ फूल तोड़े, और ये सारे के सारे फूल इतने खूबसूरत थे कि मुझे तोड़ने में भी बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन शिव जी को खुश करने के लिए मैंने तोड़ ही लिया। और इसे लेके मैं सीधा इस मंदिर पे आया। मतलब हमारे घर के पास ये मंदिर है, तो हम लोग आते जाते रहते हैं। अब इन अंकल को देख के ये मत सोच लेना कि शिव जी यहीं पे सो रहे हैं, अंकल तो बस आराम कर रहे थे और हमने डिस्टर्ब कर दिया। पूजा उजा करके मैं शोरूम जाने के लिए रेडी होने लगा, एंड आज भी मैंने व्हाइट शर्ट के साथ जींस ही पहना। वैसे तो मुझे काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई अब तो तू इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया, तो अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर ले, बट मैं सोचता हूँ कि भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो कांची आज तेरा कांचा गाड़ी ले जा रहा है, और हम लोगों ने काफी दिनों से कहा कि अपने ऑडियंस को गाड़ी लाएंगे लाएंगे, और आज फाइनली हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जाओ जल्दी लेकर। हाँ। मतलब हमारा बेबी आने से पहले हमारा गाड़ी हो गया, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था वैसा ही हुआ। सबसे पहला आप लोग वीडियो देख लेना थार के ऊपर, मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं बेबी आने से पहले थार घर में लाऊंगा। मतलब आप लोगों को डबल सरप्राइज मिल गया गाइस, डबल सरप्राइज, और एक सरप्राइज तो आना बाकी है, तो जल्दी आ जाएगा वो भी। एंड ऐसा कर रहे देख रही थी। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा, क्योंकि थार है भाई, पहला ही गाड़ी अपना थार होने जा रहा है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे, एंड आई थिंक आज मतलब शाम तक तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी कहा है तो हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। तो आप चलो चलते हैं शोरूम में। लेकिन मैं सबसे पहले तो अपने पिताजी को लेने पुराने घर आया, तो मेरी मम्मी खाना परोस रही थी और मैंने भी पिताजी के साथ ही मिलकर खाना खाया। हाँ अब काफी सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई तू तो अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहता, क्या तुम लोग बिछड़ गए हो? देखो यार हमारे लिए दोनों ही घर बराबर है, इसलिए हम दोनों को ही मैनेज करके चलते है, बाकी बिछड़े उछड़े कुछ भी नहीं है भाई। वरना क्या मुझे पिताजी रोज रोज यहाँ आने देते, और आज भी इनको मैं साथ लेके जा रहा हूँ। अगर बिछड़ जाऊँ तो इतना सब कुछ का क्या फायदा यार, इसलिए हम कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। यार अब हम फाइनली महिंद्रा के शोरूम पहुंच चुके हैं, और पहुंचते मैंने चेक में साइन वाइन किया। सच कहूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने लोगों को चेक में साइन करते हुए देखा था, बट आज मैं खुद से साइन कर रहा हूं। लेकिन जब पैसा काटा तो बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि एक ही बार में गचाक से काट दिया जिसे मैंने पाई पाई करके जमा किया था। खैर अब देखो धार का पावर जो चीता की तरह चीरते हुए दौड़ता है, ना ही इसे पानी का डर है ना ही पहाड़ का, सभी जगह पे चढ़ जाता है भाई, एंड लुक की तो क्या ही बात करे, ऑलवेज किलर। तो फाइनली गाइस मैंने अपना थार ले लिया है, ये आप लोग देख सकते हो, अभी मेरा थार का अनबॉक्सिंग होने वाला है। एंड मैंने आप लोगों को काफी टाइम वेट कराया तो उसके लिए सॉरी, एंड आज फाइनली जाके मैंने ले लिया है। और 17 लाख की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब इनकम से ले रहा हूँ, तो भाई मुझे काफी ज्यादा मतलब अच्छा भी लग रहा है। बाकी यहाँ पर हमारे पिताजी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, तो यही सोच रहा हूँ मेरा जैसे बेटा ने तौरिका किया, सबका बेटा वैसे तौरिका कर रहा है। भगवान जो उसका सोचा हुआ काम को पूरा करते हैं। तो यार मतलब पिताजी काफी खुश है, क्योंकि भाई मैंने छोटे से उम्र में मतलब 20 साल की उम्र में मतलब इतना कुछ करके दिखाया, तो मेरे पूरे फैमिली काफी ज्यादा खुश है। एंड 17 लाख की गाड़ी 20 साल की उम्र में लाना मतलब कोई छोटी बड़ी बात नहीं होता है। ओके अभी मतलब आप लोग देख सकते हो अभी इसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो चलो अब अनबॉक्सिंग करते हैं। पिताजी आप उधर पकड़ो, अभी इसको उठाएंगे। ओके चलो गाइस अनबॉक्सिंग होने जा रहा है, चलिए एक बार देखिए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। ये पूरा ब्लैक कलर में मैंने लिया है, बाकी यहाँ पर काफी सारे भैया लोगों ने मुझे हेल्प किया, पहले तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया। बाकी इन्होंने भी मुझे काफी हेल्प किया, और एक जून नाम का बंदा था जो सुबह से सिर्फ मेरे लिए शोरूम पे रुका रहा, लेकिन बेचारा भूख लगने के कारण बीच में ही छोड़कर चला गया, और मैं उसे एक थैंक यू तक कह नहीं पाया। तो यार अपने लोगों ने तो बहुत बहुत साथ दिया, बाकी जिसे मैं जानता तक नहीं था वो लोग भी मेरे लिए सुबह से लेकर शाम तक रुके रहे। अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें इन भैया ने गाड़ी का इतना बड़ा की दिया, जिसको लेके हमने फोटो वोटो खिंचाया, एंड फिर इन्होंने हमारा आसाम का ट्रेडिशनल गामुचा पहनाया, साथ में मेरे पिताजी को भी पहनाया, और एंड में जाके हमें महिंद्रा की तरफ से ये गिफ्ट मिला। तो फाइनली गाइस मुझे यहाँ पर अपना गाड़ी का की मिल चुका है, तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं।
अपना गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और काफी ज्यादा एसी का हवा आ रहा है भाई, ठंडा ठंडा। और मुझे लग रहा है कि भाई मैं किसी माउंटेन के ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि भाई ऐसा करके देखना पड़ेगा भाई। काफी अच्छा लग रहा है यार मेरे को, माँ कसम बोल रहा हूँ। और महिंद्रा का लोगो तो क्या ही है। अभी पिताजी थोड़ी बहुत पूजा वूजा करेंगे। तो पिताजी आप कीजिए जो करना है। हाँ मैं उतर जाऊँ। फिर मैं गाड़ी से उतर गया और मेरे पिताजी ने यहीं पे थोड़ा सा प्रार्थना किया, ताकि कोई भी नुकसान ना हो, सब कुछ सही सलामत हो। इसलिए मैंने भी विश्वकर्मा भगवान जी का नाम लेके प्रणाम किया और गाड़ी हमारे संजय भाई निकालने लगे। अब मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि संजय भाई खुद ही कह रहे थे कि मुझे भी देख के नर्वस फील हो रहा है। तो मैं तो नया नया ड्राइवर हूँ भाई, मुझे तो देखते ही डर लग गया, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हेवी निकला। फिर हम लोग तेल डलाने डिपो गए और यहाँ से टोटल 60 लीटर तेल भराया। मतलब शोरूम की तरफ से हमें 15 लीटर फ्री में मिला था, उसके बाद हमने 45 लीटर एक्स्ट्रा डलाया, तो टोटल 60 लीटर हो गया। और हम लोग अपना गाड़ी लेके घर आ गए। सुबह उठते ही जिसे देखने का मन करे, ऐसी मोहब्बत हो तुम मेरे। देख सकते हो गाइस, अपने घर में गाड़ी आ चुका है। और सुबह सुबह देख के मतलब काफी अच्छा लगा भाई। अपना थार देखो, घर में लाया ना मेरे इस बार। तो देखो देखो देखो, थोड़ा थोड़ा बारिश आया था तो यहाँ पर थोड़ी बहुत भीग चुका है। एंड कैसा लग रहा है अपने घर के साथ, शूट कर रहा है ना पूरा का पूरा एकदम तबाही वाला सीन। ये देखो भाई साहब, कैसा लगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तुम्हारा सोनू भाई ने मतलब सब कुछ कर दिखाया, ओके, झूठ नहीं बोला, तो इस वीडियो को मतलब जितना हो सके उतना शेयर करो। हाँ, सोनू भाई भी ले सकता है, एक गांव का लड़का भी ले सकता है थार, ओके। आज यकीन दिला दिया मैंने आप लोगों को, और ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं कभी भी ये सब नहीं ले पाता। तो आज फाइनली आ चुका है मेरे घर में, मतलब कल रात को आया था, तो अभी दिखा रहे हैं। ओके चलो, बाय बाय।